सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेरे लिए क्या बेहतर होगा, ये काफी स्टूडेंट्स लोगों का डाउट होता है गाइस। तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या कोई डिफरेंस है भी या नहीं, और अगर है तो क्या डिफरेंस है, राइट। और हम देखेंगे कि मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी और आपके जो ऑटोनॉमस कॉलेज है उनमें आपका सिलेबस कैसा होता है, राइट, प्लेसमेंट प्रायोरिटी कैसे होता है, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि सेमेस्टर रिलेटेड होगा, आपके असाइनमेंट ट्यूटोरियल्स होते हैं, अटेंडेंस होते हैं, वो हम देखेंगे फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि आपके अभी रिजल्ट आ ही गए होंगे, राइट। अब ये डेट पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तक तो नहीं आया, क्योंकि ये वीडियो एक दो दिन बाद हो सकता है अपलोड, बट यस आपका रिजल्ट आएगा तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्लियर आइडिया मिल जाएगा आपको कि हम पढ़ने क्या वाले इन दिस टू ब्रांचेस। सो यस गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइज अगर हम बात करें, सम FAQs डिस्कस करते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि बच्चे लोग काफी ज्यादा मेल कर पूछते हैं, बीटेक और बी। अब ये होता है कि मैं बीटेक डिग्री लू या बी डिग्री लू, तो मुझे आपको ये बताना है कि अगर आप सिंसियरली सीटी के रिजल्ट के बेसिस पर मार्क्स जो भी आपका आ रहा है उसके बेसिस पर अगर आप एडमिशन लोगे तो आपको बी डिग्री या बीटेक डिग्री मिलता है। बट बीटेक डिग्री आपको जो है गाइज वो टॉप प्राइवेट कॉलेज या आपके गवर्नमेंट कॉलेज में ही मिलता है, राइट। और बाकी जो बचे हुए होते हैं मोस्ट ऑफ द कॉलेज, 90% ऑफ द कॉलेज, वो आपको बी डिग्री प्रोवाइड करेंगे इन महाराष्ट्र। सो यस, ये था आपका डाउट। और ये एक होता है कि कौन सा बेहतर है, तो नाम का फर्क हो जाता है गाइज। ट्रस्ट मी, बीटेक भी दोनों सेम चीज ही पढ़ते हैं, एक ही चीज। आप एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर पूछोगे, आप कुछ बात करोगे तो दोनों का बात सेम ही होगा, क्योंकि आपने पढ़ाई भी सेम ही किया है। सो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है बीटेक और बी का। बट अगर आपको बीटेक मिल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कट ऑफ, ये नहीं कि आप डोनेशन लेकर कहीं भी कोई भी कॉलेज में ले रहे हो एडमिशन, तो ऐसे बीटेक डिग्री का कोई मतलब भी नहीं होगा। बट जो आपके कट ऑफ के हिसाब से आपको मिल रहा है, देन आप बीटेक डिग्री को फर्स्ट प्रेफरेंस देना। बट फर्स्ट प्रेफरेंस देने का मतलब ये नहीं कि बीटेक सुपीरियर हो जाएगा। बीटेक और बी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। नंबर ऑफ इयर्स, तो 4 ईयर का आपका डिग्री प्रोग्राम होगा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। डस कॉलेज मैटर, तो अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स पर डिपेंड करता है गाइस, क्योंकि मैं सीटी के ऊपर भी काफी कॉन्टेंट बनाया था, तो उसमें मैंने बोला था कि आपको 95% एम करना है। बट पता है हमें कि 5% लोगों का ही आएगा 95% तक, राइट। तो अब ये जो हो जाता है गाइस, जो कम आए तो आपको ऐसा कुछ होना नहीं है कि मुझे कम कॉलेज मिल गया, मुझे कौन सा कॉलेज मिल गया, कम मार्क्स मिल गए। तो कॉलेज गाइस मैटर नहीं करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। बट ये मैटर करता है कि कंपनीज कौन से आ रही हैं कॉलेज में। तो अच्छे कॉलेज में जो है आपकी कंपनीज ज्यादा आते हैं, तो आपको मेहनत नहीं करना पड़ता है कंपनीज ढूंढने के लिए। बट यही आपका कोई एवरेज कॉलेज हो गया, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो कंपनीज आपके आएंगे भी तो वही कंपनीज आएंगे जिनके नाम बच्चों को याद हो गए, TCS, विप्रो, इन्फोसिस। सो दिस वॉज अबाउट कॉलेज गाइज, कि कॉलेज मैटर करता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब वो कैसे मैटर नहीं करता, क्या कैसे आप अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो, क्या ले सकते हो, वो तो मुझे एक अच्छा प्लेसमेंट लग जाए तब मैं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसे चीज के ऊपर वीडियो नहीं बनाना है जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया। तो नेक्स्ट ईयर तक उसके ऊपर भी वीडियोस आने लगेंगे। सो कॉलेज मैटर करता है नहीं। तो अब मेरा थर्ड ईयर चालू है, तो मैंने तो ऐसा नहीं देखा कि कॉलेज इतना मैटर करता है, राइट। अब ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो कि मुझसे अच्छे कॉलेज में पढ़, बट नॉलेज वाइज मेरे कॉलेज वाले उनसे बेहतर है जो कि अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं। बट यस, इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। बट ये हो जाता है कि कंपनीज काफी अच्छे आते हैं अगर कॉलेज आपका अच्छा हो। सो दिस वॉज द फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन गाइस। सिलेबस की बात करते हैं हम, तो सिलेबस में गाइस फॉर ऑल द ब्रांचेस सेम होता है आपका फर्स्ट ईयर में। IT होने दो, मैकेनिकल होने दो, सिलेबस आपका फर्स्ट ईयर में सब ब्रांचेस के लिए सेम होगा। फ्रॉम सेकेंड ईयर थिंग्स स्टार्ट टेकिंग प्लेस, राइट। सेकेंड ईयर से जो भी आपके ब्रांच है उसके हिसाब से आपके सब्जेक्ट्स आएंगे, और आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच में डेप्थ में आपका पढ़ाई होना चालू हो जाएगा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में। सब्जेक्ट्स की बात करें फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये जो सब्जेक्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। AOA एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, DS डाटा स्ट्रक्चर्स, CN कंप्यूटर नेटवर्क, DWM विच इज डाटा वेयरहाउस एंड माइनिंग, DBMS विच इज डाटा बेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो आपके है गाइज, ये सारे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने एक इंक्लूड नहीं किया विच इज OS ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो ये जो आपके सब्जेक्ट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट वाइज फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सब सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ना ही अच्छे से, बाकी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं बट इतना कोई काम नहीं आता है प्लेसमेंट के टाइम पर। एंड सेम वाइज सिलेबस अगर हम देखें गाइस, मुंबई यूनिवर्सिटी का हम पहले देखेंगे तो ये आपका सेमेस्टर 3 का सिलेबस है। अब यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स आपका फर्स्ट ईयर में भी होता है, सेकंड ईयर में भी होता है, और फर्स्ट और सेकंड ईयर के बाद मैथ्स आपका नहीं आता है और अच्छे खासे मैथ्स के लेवल होते हैं, तो अगर आप पढ़ोगे नहीं अच्छे से केटी लगने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। एंड मैंने यहाँ पर गाइस फर्स्ट ईयर का सिलेबस इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि जो आप पढ़ते हो 11th 12th में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, तो मतलब नहीं है डाल के, बट उसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको एक हेडशॉट मिल सके कि फर्स्ट ईयर का व्यू कैसा होता है और क्या हम मुझे किस पर ज्यादा ध्यान देना और किस पर नहीं देना। सो यस, दिस वॉज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ग्राफ थियरी, डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ग्राफिक्स, डाटा स्ट्रक्चर लैब। ये जो आपका सेमेस्टर थी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डाटा स्ट्रक्चर, बाकी सारे जो चीजें हैं वो इतने काम नहीं आते। डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर थोड़े काम आते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स में, बट एज सच कोई मेजर रोल नहीं होता है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ग्राफ थियरी कुछ नहीं आता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स कुछ नहीं आता है प्लेसमेंट के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो, बट आपको CGPA लाने के लिए ये सारे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें सेमेस्टर 4 गाइस, मैथमेटिक्स, AOA, DBMS, OS, MP विच इज माइक्रो प्रोसेसर। अब इसमें जो है गाइज ये सारे सब्जेक्ट्स आपके इम्पोर्टेंट है राइट, और माइक्रो प्रोसेसर को छोड़ के एंड मैथ्स को छोड़ के सारे सब्जेक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके, और ये जो सब्जेक्ट्स है उनके लैब होते हैं और एक आपको मिनी प्रोजेक्ट होता है हर सेमेस्टर में। नेक्स्ट अगर हम देखें सेमेस्टर 5th की बात करते हैं, TCS एक सब्जेक्ट है, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा वेयर हाउस एंड माइनिंग, डिपार्टमेंट लेवल ऑप्शनल कोर्स। तो ऑप्शनल कोर्स आने लगते हैं आपको 3rd ईयर से राइट, 3 सब्जेक्ट्स देंगे दिए जाएंगे आपको और उनमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, जो भी मेजोरिटी होगा वो सिलेक्ट करके आपको कॉलेज पढ़ाएंगे। सो यस, दिस वाज सेमेस्टर 5th। सेमेस्टर 6 अगर हम देखें गाइस, तो सेमेस्टर 6 में आपके हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, क्रिप्टोग्राफी, मोबाइल कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट। अब सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 7 ये जो है आपके बहुत, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7 एंड सेमेस्टर 8 इनमें से सारे सब्जेक्ट जो भी आते हैं वो आपके नॉलेज वाइज कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं राइट। सो दिस वॉज अवर सेमेस्टर 6 गाइस। नेक्स्ट अगर हम देखें सेमेस्टर 7, मशीन लर्निंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, डिपार्टमेंट लेवल ऑप्शनल कोर्स राइट। तो ये 3 ऑप्शनल कोर्सेस होंगे आपके जो कि आपको कॉलेज देंगे, आपको सिलेक्ट करना होता है। ये सेमेस्टर 7 की बात कर रहा हूं मैं। लास्ट होगा गाइस आपका सेमेस्टर 8। सेमेस्टर 8 में आपके ये सारे होंगे वुमेन मशीन इंटरैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ऑप्शनल कोर्सेस होंगे आपके राइट। तो सेमेस्टर 8 भी हमने देख लिया। नेक्स्ट अगर हम देखें पुणे यूनिवर्सिटी का आपका सिलेबस कैसे होगा, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम गाइस, कुछ कुछ चीजें ऐड हो जाते हैं, जैसे डेवॉप्स एक चीज है जो कि हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी में नहीं है बट पुणे में है, विच इज अ वेरी गुड थिंग टू लर्न। तो ये डेवॉप्स जो है वो आपको आएगा पुणे यूनिवर्सिटी में, बाकी सारी चीजें जो वो ऑलमोस्ट सेम ही है, सिमिलर कह सकता हूं मैं। सो दिस इज द सेमिस्टर 3, दिस इज योर सेमिस्टर 4 एंड दिस इज योर सेमिस्टर 5, सेमिस्टर 6, सेमिस्टर 7, और ये जो आपके इलेक्टिव 3 और इलेक्टिव 4 है इनमें कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं वो हम देखते हैं। तो इलेक्टिव 3 में आपके ये सब्जेक्ट्स आएंगे जो कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, मेजॉरिटी जो भी आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इलेक्टिव 4 में ये सारे आपके सब्जेक्ट्स आएंगे राइट। सेमेस्टर 8 में ये सारे आपके सब्जेक्ट्स है। इलेक्टिव 5 और 6 में कौन से सब्जेक्ट्स है वो अब हम देखते हैं। ये इलेक्टिव 5 के सब्जेक्ट्स होंगे और ये होंगे आपके इलेक्टिव 6 के, जो भी मेजॉरिटी होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा सिंपल। नेक्स्ट अगर हम देखें फॉर ऑटोनॉमस, तो सब्जेक्ट्स में वेरी फ्रॉम सेमेस्टर टू सेमेस्टर बट अल्टीमेटली यू विल लर्न द सेम थिंग राइट। ऑटोनॉमस हो या नॉन ऑटोनॉमस, सेम थिंग ही बच्चे पढ़ते हैं एट द एंड ऑफ द 4th ईयर भी। तो आप लोगों को डाउट होता है कि फीस क्यों हाई है फिर राइट। अब हम सेम चीज ही पढ़ रहे हैं तो ऑटोनॉमस का फीस क्यों हाई होता है, वो अलग से क्यों लेता है एडमिशन, ये सारी चीजें, वो अलग से क्यों एग्जाम लेता है, तो हम देखें अगर उसका रीजन काफी वैलिड रीजन है। मेथड ऑफ टीचिंग इज क्वाइट गुड गाइज। अब मेरा एक दोस्त ही है जो कि डीजे सांगवी में, उसका मेथड ऑफ टीचिंग काफी ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू अस। हमारे में एक मेन मोटिव होता है टीचर्स लोगों का, जो कि टीचर्स की गलती नहीं है, ऊपर से प्रेशर होता है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है बस, तो ये एक होता है, बट वहां पर ऐसा नहीं होता है। कॉन्सेप्ट वाइज देखते हैं डेप्थ में जाते हैं टॉपिक के, वो आपको नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज में इतने अच्छे से देखने नहीं मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इज गुड राइट, ऑटोनॉमस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा होता है।
टाइम गिवन टू स्टडी इज गुड राइट, जो आपको टाइम दिया जाता है स्टडी के लिए, लाइक एक दो हफ्ता आपको छुट्टी दे दिया जाएगा सेमेस्टर के पहले, जो कि काफी ज्यादा हेल्प करता है. प्रोवाइड्स बीटेक डिग्री, मोस्ट ऑफ द ऑटोनॉमस कॉलेज जो है आपके बीटेक डिग्री आपको प्रोवाइड करेंगे. एंड वेकेशन पीरियड इज गुड गाइज, एक महीना या 1.5 मंथ आपको छुट्टी मिल जाता है, बट नॉन ऑटोनॉमस में ऐसा नहीं होता है. सो यस, होता भी है बट कभी कभार आपको दे सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट डजंट ऑकर. सो यस, दिस वॉज अबाउट ऑटोनॉमस. और आपको एक डाउट होगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मैंने सिलेबस क्यों नहीं डाला, वो हम आगे देखते हैं. फर्स्ट ईयर की बात करें हम गाइस, तो फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब ब्रांचेस के लिए, जो भी ब्रांचेस आपके होते हैं कोर ब्रांचेस भी, इफ आई हैव टू डिफाइन इट इन वन वर्ड कि फर्स्ट ईयर कैसा होता है, बोरिंग, काफी बोरिंग होता है गाइस. जो आप पढ़े हो वही आपको आता है, हाफ ऑफ द सब्जेक्ट्स आर सेम विच आई स्टडीड इन 11th एंड 12th साइंस राइट. तो इतना कोई मेजर आता नहीं है. इंजीनियर ग्राफिक्स आता है जो कि आपको राउंडर जो भी कंस्ट्रक्शन हम कहते थे जैसे 10th में, वो आपको करना होता है, काफी बोरिंग होता है वो. सो फर्स्ट ईयर का इसलिए मैंने डाला नहीं था सिलेबस क्या है, क्योंकि सबका सेम ही होता है राइट. और सब बिना मन के पढ़ते CGPA लाने के लिए. एंड सम एडिशनल सब्जेक्ट गेट्स एड ऑन विच आर नॉट वेरी यूजफुल, नॉट वेरी यूजफुल नहीं, यूजफुल है ही नहीं थोड़ा भी. तो यस, दिस आर द फर्स्ट ईयर थिंग्स विच यू शुड नोट. सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर, दिस ईयर्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट गाइस. ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन योर CGPA अबव 8 राइट. अगर आपका 8 के ऊपर नहीं आ रहा है तो प्लेसमेंट में इशू ला सकता है ये, तो आपको 8 के ऊपर लाना है CGPA. अब मैंने आपको बोला फर्स्ट ईयर में इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है आगे के लिए, तो आपका इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप पढ़ोगे नहीं. यस, CGPA आपको लाने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा राइट. तो यस, CGPA का आपको एक जो थिंग है वो माइंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम हो सकता है कि आपको दिक्कत हो अगर प्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया वो आपका मैच नहीं हो रहा है तो CGPA, क्योंकि अगर आपका CGPA का क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है तो प्लेसमेंट में इशू आ सकते हैं. प्लेसमेंट देखते हैं गाइस. सो व्हेन रिक्रूटर्स कम दे यूजुअली डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आज तक जो भी कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और IT है उसमें अभी तक ऐसा डिफरेंशिएट नहीं होता हुआ दिख रहा है कि अगर कोई कंपनी आया एक्स तो वो ये कहेगा कि तू IT का, अच्छा ठीक है तू नहीं बैठ सकता, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले बैठ सकते. तो ऐसा नहीं होता है गाइस राइट. कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होता है इन प्लेसमेंट. कॉलेज विच है CA एंड IT हैव ऑलमोस्ट सेम प्लेसमेंट रेट. तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये दोनों का सेम प्लेसमेंट रेट ही होता है, तो कोई ऐसा सच मेजर डिफरेंस नहीं है ये दोनों ब्रांचेस में. बट देर हैव बीन केसेज वेर इट हैज बीन सीन दैट कंप्यूटर इंजीनियरिंग हैव गिवन प्रायोरिटी राइट. हो सकता है कि कोई कॉलेज में, ये बहुत रेयर केस है गाइस, एक्सट्रीम केस हो जाते हैं, बट होता है ऐसा कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में कि एक ही सीट अगर अवेलेबल है फॉर प्लेसमेंट के लिए तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग को रेफर कर दिया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नहीं. बट बहुत रेयरली होता है ये केस जो है. सो दिस वॉज अबाउट प्लेसमेंट गाइज. नेक्स्ट अगर हम देखें, सो इज देयर एनी डिफरेंस, पॉइंट यही आ जाता है, देन आंसर इज नो. यही एक रीजन था मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस नहीं डाला, क्योंकि एक दो सब्जेक्ट सेमेस्टर वाइज चेंज होते हैं राइट, बस बाकी सारे चीजें जो होते हैं आपके सेम ही होते हैं. सो नो डिफरेंस गाइज, कोई भी डिफरेंस नहीं है. तो मुझे लेना क्या चाहिए, व्हाट शुड बी टेक, तो एनी ऑफ द ब्रांचेस यू कैन टेक गाइज. एनी ऑफ द ब्रांचेस इज गुड फॉर यू, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू कंप्यूटर इंजीनियरिंग. तो आपका कट ऑफ IT और कंप्यूटर इंजीनियरिंग दोनों से मैच करे तो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही पहला लेना है राइट. इफ यू आर इन द कट ऑफ रेंज ऑफ IT एंड निगलेक्टिंग इट बिकॉज यू वॉन्टेड कंप्यूटर इंजीनियरिंग देन, तो इसका मतलब ये कि अगर आपका कट ऑफ रेंज है IT का बट आप उसे निगलेक्ट कर रहे हो क्योंकि आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए था, आप कह रहे हो कि नहीं यार IT नहीं चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए, और आप निगलेक्ट कर रहे हो उसे, देन दैट विल बी अ वेरी बैड डिसीजन गाइस, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है IT और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में. तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि अच्छा खासा डिफरेंस हमें देखने मिल रहा है. आपको 5% नीचे वही सेम चीज पढ़ने मिल रहा है, वही प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस नहीं करना है गाइस. सो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कोई भी डिफरेंस नहीं है. दिस वॉज ऑल आई हैव टू कंक्लूड गाइज. सो यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो मेक श्योर टू लाइक, क्योंकि एफर्ट्स लगे ये सारे सिलेबस मेनली इकट्ठा करने के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड, जितना हो सके आप शेयर करो गाइज, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि कोई डिफरेंस नहीं है इतना कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में. सो यस गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. टिल देन गाइज, टेक केयर एंड मिलते हैं अपने शो में. बाय.